हेलो दोस्तों, आज ईस्टर का पावन पर्व मनाया जा रहा है। ईस्टर का पर्व यानी ईसा मसीह के पुनर्जन्म की खुशियां मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में, पूरे विश्व भर में जगह जगह पर चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच में एक भयानक आतंकी हमला हुआ है। जी हाँ, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सिलसिलेवार छह जगह पर आतंकी हमला हुआ है। तीन चर्च और तीन होटलों को निशाना बनाकर ये हमला हुआ, जिस हमले में अभी तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ, ये हमला दिल दहला देने वाला था और इस हमले की गूंज ना केवल कोलंबो तक बल्कि पूरे विश्व में गूंज रही है। पूरे विश्व के कानों में इसकी गूंज पहुंच चुकी है। धार्मिक स्थलों पर ऐसे हमले विश्व में होते रहते हैं और इन हमलों में कई परिवार तबाह हो जाते हैं, कई परिवारों की खुशियां छीन जाती है। आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ, आज हुए इस हमले के वीडियोस, कुछ फुटेज ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ये कितना भयावह हादसा, कितना भयावह हमला है। ये देखिए, ये है एक पहला हमला। यहाँ पर चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है, लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ है, किसका शव कहाँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वहीं का फुटेज है, ये है चर्च के सामने का फुटेज, कोलंबो के चर्च के सामने का फुटेज। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगी। इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि कैसे मस्जिद चर्च, जहाँ पर लोग प्रार्थना करने पहुँचते हैं, जहाँ पर लोग अपनी विश पूरी करने जाते हैं, जहाँ पर भगवान के सामने, ईसा मसीह के सामने लोग प्रार्थना करते हैं, वहीं पर कैसे लाशें बिछी हुई है। आप ये देख सकेंगे, ये है चर्च जहाँ पर चारों ओर लाशें बिछी हुई है। इस चर्च की हालत देखिए कि कैसे हो गई हमले के बाद। इस चर्च में कांच, इस चर्च की दीवारें, सब कुछ टूट गए हैं, सब कुछ बिखरे पड़े हैं। ये है चर्च के अंदर का हिस्सा, चर्च के अंदर का वो हिस्सा जहाँ पर हमला हुआ है। इसी के साथ मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे चर्च के बाहर अफरा तफरी मची हुई है। ये देखिए, ये है चर्च के बाहर का हिस्सा जहाँ पर पूरा एरिया, ये पूरा एरिया देखिए, नीचे जो चर्च के टूटे हुए कांच के टुकड़े, यहाँ लोग हैं जो अपने को तलाश रहे हैं, पुलिस सुरक्षा बल सब कुछ पहुँच गया है, राहत कार्य किया जा रहा है, लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। जिन लोगों के, कई लोगों के तो चिथड़े तक उड़ गए हैं, उन लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिल पा रही है। अपने परिजनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं, वे तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से उनके परिजनों का, कम से कम उनके शरीर का कुछ हिस्सा तो उन्हें मिल पाए। आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी पिघल जाएगा, इस वीडियो को देखकर आपके आंसू भी निकल सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये आज के हादसे का ही वीडियो है जिसमें एक महिला की मौत हुई है और दो बच्चियाँ उनके पास में बैठी हुई है। हो सकता है ये बच्चियाँ अपनी माँ को उठाने के लिए कर रही, हो सकता है कि ये उनकी मम्मी हो या फिर कोई और परिजन भी हो सकते हैं। ये देखिए कैसे लोगों की, अभी आप सुनेंगे इनके चीख पुकार, इनकी चीख सुनिए, देखिए आप सुन पा रहे होंगे कि कितना रुदन है, कितना शोर शराबा, क्यों इस आतंकी हमले की वजह से। आप शायद चीखों को अच्छे से सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, चर्च से बाहर आ रहे हैं लोग, चर्च से लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं, अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं और अंदर का जो नज़ारा है उसको देखकर वे लोग अपने आप पर काबू नहीं पा रहे, अपना आपा खो बैठे। इनकी आवाज़ सुनिए आप, वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनकर भी आप रो पड़ेंगे, आपका दिल भी दहल जाएगा। जी हाँ, ये आतंकी हमला, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कोई पहली बार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जब ऐसा हमला हुआ है। धार्मिक स्थल पर ब्लास्ट करके बेगुनाहों को मारकर आतंकी खुद धर्म के नाम पर अपने आप को जिहादी बताते हैं और वे मंदिर में ही ब्लास्ट करते हैं। ऐसा क्यों? हमेशा संडे, आपने शायद गौर किया होगा कि ऐसे ब्लास्ट अधिकतर
संडे यानी रविवार के मौके पर होते हैं और धार्मिक स्थलों पर ही क्यों होते हैं ये ब्लास्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आतंकी की राह पर चलते हैं वे इस चीज का कारण बताते हैं कि हमने आतंकी की राह इसीलिए पकड़ ली क्योंकि हम धर्म का जिहाद का प्रचार करना चाहते हैं। ये कैसा जिहाद, ये कैसा धर्म का ये कैसा प्रचार कर रहे हैं आप, ये क्या सही है? अब पूरे विश्व के लोगों को एक साथ आना होगा, पूरे विश्व के लोगों को इस आतंकी शब्द को, इस आतंकवाद को सारी पूरे विश्व की डिक्शनरी से हटाना होगा, हमें एकजुट होकर आना ही होगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगी जो कुछ दिन पहले ही हुआ है और इस घटना से भी पूरा विश्व परिचित है, इसके बारे में भी हमें सभी को पता है। देखिए, ये है न्यूजीलैंड का हमला, आप जान पाएंगे इस हमले के बारे में भी, हम सब जानते हैं ये हमला भी धर्म के नाम पर ही हुआ था। ये हमला हुआ था मस्जिद में उस वक्त जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने वाले कई लोगों को एक सिरफिरे ने बंदूक से भून लिया था। आप जानते हैं ये वीडियो सबको पता होगा, इस घटना के बारे में भी सबको पता होगा। ये जो हमला हुआ था, ये हमला भी हुआ था धर्म के नाम पर, जिन्होंने मारा था वो किसी और धर्म का था और जो मारे गए थे वो सभी मीडियंस थे। क्या ये हमला सही था? क्यों धर्म के नाम पर ऐसा प्रचार किया जा रहा है, ऐसे काम किया जा रहा है, आखिर क्यों? ये तो हमारी अपनी भावनाएं हैं, हम सब मिलकर ही इन आतंकियों पर, इन आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ नंबर बताना चाहूँगी जिनके परिजन, अगर आप भारत में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपके परिजन भी कोलंबो में फंसे हुए, तो मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर बताऊँगी जिनकी सहायता से आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। श्रीलंका का हेल्पलाइन नंबर है 9477223417 120 टोटल अभी तक डेथ हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर दोहराना चाहूँगी, नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 9477223417 इस नंबर पर आप संपर्क करके अपने परिजनों का हाल, अगर वहाँ पर आपके परिजन हैं या फिर अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स वहाँ पर हैं तो आप उनके बारे में संपर्क साध सकते हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है या जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती है। मैं चाहूँगी कि जो भी अस्पताल में भर्ती है वे जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उन सभी की आत्माओं को शांति दे जिन्होंने इस हमले में अपने प्राण गंवाए हैं, जो इस हमले के कारण मौत के मुंह में गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।